बजट की कॉपी फाड़ने का उद्देश्य ये था कि मेयर द्वारा इस पर एक बिंदु पर भी चर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं थी। ये बजट एक सोची समझी लूट खसोट के लिए बजट बनाया गया है, जबकि 26/3/2021 को प्रारूप दिया गया था, उस वक्त कहा गया था कि जो वार्ड से आम सभा से पारित कराकर जनता द्वारा जो दिया गया है बजट, उस बजट को इसमें सम्मिलित किया जाए। इसमें मेयर द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया है, इनको खास एजेंसी को, खास लोगों को लाभ पहुंचाने हेतु इस बजट को तैयार किया गया है और बिंदुवार डिस्कशन करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे जब ये नहीं मानेंगे तो ऐसे बजट को फाड़ के फेंक देना ही उचित है, इसके पूरे दान में ही डाल देना उचित है। ये जनहित के कार्य नहीं करने आई है, ये सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित के काम करने आई है। बस यही मैं जो हमारा राजस्व प्राप्ति है और जो जिस मद में घटकवार हमें खर्च करना है उसके बारे में विस्तार से सारे वार्ड पार्षदों को जानकारी दी गई और बजट 149 करोड़ का हमें आमद है और 137 करोड़ के लगभग में हम लोग उसको खर्च करेंगे। इस तरह से बजट बहुत ही संतुलित और समावेशी है और सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री सात निश्चय हो, नली गली हो, हर घर नल का जल हो, सारे घटक पर विस्तार से राशि का प्रावधान किया गया है और सारे खर्च हम लोग समय कर लेंगे। सर, कुछ पार्षदों ने बहिष्कार किया और बजट की कॉपी भी फाड़ी। व्यक्तिगत अवधारणा के बारे में हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर कुछ निजी कारण से खुन्नस वर्ष अगर बजट को फाड़ते हैं तो उनका निजी मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं।